श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवक गंगाबाई शत्राणी वह महावन में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं, लीला में भृंगिनी इनको नाम है। ये माधवीते प्रकृति हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। भृंगिनी श्री ठाकुर जी के पाछे पाछे डोलती हैं, ऐसी इनकी व्यसन अवस्था है। ताते श्री ठाकुर जी इन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। वार्ता प्रसंग एक, तो वह गंगाबाई की माता रूपवंती बहुत ही सुंदर, जाकी छाया धरती में परे ऐसी हती, और वाके पास द्रव्य हु बहुत हतो। सो एक समय श्री गुसाई जी महावन में पधारे हते, तब एक वैष्णव के घर उतरे। सो वाके निकट वह शत्राणी रहत हती, सो वाने श्री गुसाई जी को देखे, तब वाको काम भयो, बहुत ही आसक्ति भई। सो इन श्री गुसाई जी सो नाम पायो, पाछे नित्य श्री गुसाई जी को देखे बिनु चैन न पड़े। पति सो छिपी के जाई और दर्शन करे। भाव प्रकाश, सो वह शत्राणी लीला में अंतर ग्रह गता है, सो वह श्री ठाकुर जी में काम बुद्धि राखती है। सो यहाँ हूँ श्री गुसाई जी में काम बुद्धि करी, सो नित्य श्री गोकुल आवती। श्री गुसाई जी को देखी के निरखी के अपने घर को जाती, परी मन में वाके विषय भाव भयो। ताते नित्य विचारे, जो एकांत कदाचित पाऊँ तो मेरो मनोरथ पूर्ण होई, परी दाव पावे नाही। ऐसे कितेक दिन बीते, दाव पावे नाही। ता पाछे एक दिना वाने समय विचारी के श्री गुसाई जी के छीवे पधारीवे के पहले ही आप वहाँ जाई के छिपी रही। ता पाछे श्री गुसाई जी सो कहो, जो मेरो मनोरथ पूर्ण करो। तब श्री गुसाई जी ने नाही करी और कहो, जो या बात में हम नाही हैं। ता पाछे वा शत्राणी ने घनो आग्रह कियो, तो श्री गुसाई जी ने नाही करी और कहो, जो या बात में हट मती करी। भाव प्रकाश, काहे ते, यद्यपि श्री गुसाई जी आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, पर आप आचार्य रूप धारण कियो है। ताते आप शास्त्रान की मर्यादा को पालन करत हैं, तो शास्त्रान पर स्त्री गमन निषिद्ध है। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो भक्ति मार्ग में काम बाधक है। काहे ते, जो विषय स्व आक्रांत जीवन के हृदय में प्रभु को आवेश सर्वथा होत नाही, ता श्री आचार्य जी संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहत हैं। सो श्लोक, विषय आक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे हो। सो या प्रकार भक्ति मार्ग में काम को बाधक कहो है, सो आप तो भक्ति मार्ग की मर्यादा के रक्षक हैं। ताते मर्यादा विरुद्ध कार्य कैसे करें, तासो या प्रकार कहो। और लीला के भाव हु देखे तो प्रभु की इच्छा हुई तब अंतर ग्रह गता के साथ प्रभु रमण करत हैं। सो अंतर ग्रह गता स्वतंत्र भक्त नाही है, जासो उनकी इच्छान के अनुसार प्रभु उनको सुख देत नाही। काहेते उन झार भाव करी प्रभु उनको भजन कियो, ताते सायुज्य प्राप्त भई। तब उनकी स्थिति प्रभु उनके हृदय में भई। ताते जब प्रभु विचारे, जो अव्यासमय इन भक्तन को स्वरूपानंद को अनुभव बाह्य रीति सो करावनो है, तब उनको प्रभु आप हृदय में ते बाहिर काढ़त हैं, और तीन सो प्रभु आप अपनी इच्छा सो रमण करत हैं। तो यहाँ वह शत्राणी ने अपनो मनोरथ कियो, तो प्रभु ने नाही करी। काहे ते, यह कार्य सायुज्य मुक्ति वारे भक्त की मर्यादा सो विरुद्ध हैं। या प्रकार श्री गुसाई जी नाही किए। तब वाने श्री गुसाई जी सो विनती करी के कहियो, जो महाराज आप प्रभु हो बड़े हो, मेरो मनोरथ पूर्ण न करो तो और कौन करेगो। ईश्वर को तो सदा दास को मनोरथ पूर्ण करनो चाहिए। ऐसे बहुत ही दीन स्तुति वचन कहे, चरणारविंद पर माथो मेली के रही और कहो, मेरो मनोरथ आपसो निरूपण करियो है। ता पाछे आप प्रभु हो अपनी ओर देखी के भावे सो करो, हूँ तो आपकी शरणी आई हूँ। तब ऐसी दीनता सुनी के श्री गुसाई जी आप कहे, जो तू अब तो घर जा, तेरो मनोरथ तेरे घर बैठी ही पूर्ण होएगो, ऐसो मेरो वचन है। ताते तू अब तो अपने घर को जा। भाव प्रकाश, या में यह जतायो,
जो अब शत्राणी ने श्री गोसाई जी को प्रभु जाने कहते दीन बचन कही शरणी मार को ग्रहण कियो जार भाव काम बुद्धि गोण भई। तब श्री गोसाई जी आप भक्ति मार्ग की शरण मार्ग की मर्यादा राखन को ऐसे वचन कहे जामे शास्त्रान की मर्यादा लीलान की मर्यादा दो रहे। ताते भक्त को मनोरथ पूर्ण करीवे को वचन दिए सो प्रभु गीता जी में कहे हैं सो श्लोक ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे उभजाम्य हम। या में यह जतायो जो कौ मोको जा भाव करी भजत हैं ताको मैं हूँ ता भाव करी भजत हूँ सो यह भक्ति मार्ग की रीति है। ताते श्री गोसाई जी आप वचन को प्रतिपालन करत हैं सो नंददास जी गाये हैं सो पद जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल छत्र आनंदकारी दीप वल्लभ वंश जगत निस्तन करण कोटि उडुराज समतापहारी जयति भक्त जन पति पतित पावन करण कामी जन कामना पूरन चारी मुक्ति कांक्षी जन भक्तिदायक प्रभु सकल सामर्थ्य गुण गुण गणन भारी जयति सकल तीर्थ फलित नाम स्मरण मात्र बास ब्रज नित्य गोकुल बिहारी नंद दासनी नाथ पिता गिरिधर आदि प्रकट अवतार गिरिराज धारी। तो या पद में नंददास जी कहे हैं जो कामी जन कामना पूरन चारी ताते जो जैसी कामना करत हैं ताको प्रभु आप तारी की सो पूरन करत हैं। या ही ते श्री गोसाई जी आप शत्राणी को कहे जो तेरो मनोरथ तेरे घर बैठे ही पूरण होएगो काहे ते आप पूरण पुरुषोत्तम हैं सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। पाचे वह शत्राणी अपने घर को आज्ञा मांगी के जात भई ता पाचे वह शत्राणी एक दिन सोवत हती तब रात्रि सोवत ते स्वप्न में उनने जानियो जो श्री गोसाई जी सो मेरो संग भयो है ता पाचे वाको ताही दिन सो गर्भ स्थिति भई पाचे गर्भ के दिन पूरण भय तब वह शत्राणी को बेटी जन्मी तो महा रूप की राशि भई ता पाचे वाको नाम गंगाबाई धरियो। भाव प्रकाश यहाँ यह संदेह हुई जो स्वप्न में संग हुई ताते गर्भ कैसे रहे कहा कहत हैं जो शास्त्रान में सृष्टि चार प्रकार की कही है स्वेदज अंडज वीर्यज और स्वप्न सृष्टि ताते स्वप्न हूँ के संग के सृष्टि होत हैं तामे आश्चर्य नाही और श्री गोसाई जी आप पूरण पुरुषोत्तम हैं सर्व सामर्थ्य युक्त हैं ताते या प्रकार स्वप्न द्वारा आको मनोरथ पूर्ण कियो जामे आचार्य मर्यादा भक्ति मर्यादा दो रही। पाचे वह कन्या कछुक बड़ी भई तब श्री गोसाई जी पास नाम निवेदन करवायो पाचे इन श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई सो भली वैष्णव कृपा पात्र भगवदीय भई ता पाचे केतेक दिन में गंगाबाई के माता पिता मरी गए तब वह घर में इकली रही सो नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची के पाचे संध्या समय वहां ते चले सो श्री गोसाई जी पास श्री गोकुल आवे सो रात्रि को श्री गोसाई जी आको श्री सुबोधनी जी श्री भागवत कहते तो वह सुनती ता पाचे तत्काल गंगाबाई वाही भाव के कीर्तन करी श्री गोसाई जी को सुनाउती सो सुनी के श्री गोसाई जी गंगाबाई के ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहते ता पाचे गंगाबाई रात्रि को वहाँ ही सोती पाचे सवारे उठी के श्री यमुना जी में स्नान करी के श्री गोसाई जी को दर्शन दंडवत करी के श्री गोसाई जी की सेवा करी के श्री ठाकुर जी के दर्शन करी के सब वैष्णवन को भगवत स्मरण करे पाचे महावन जाई पाचे श्री ठाकुर जी को जगाए भोग धरे श्रृंगार करे रसोई करे ता पाचे श्री ठाकुर जी को राजभोग धरे समय भय भोग सराय आरती करी अनुसर करे पाचे वैष्णवन को बुलाए के महाप्रसाद लिवावे ऐसे नित्य करे और को वैष्णव काहू दीना न मिले तो वा दीना आपू उपवास करे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी की सेवक गंगाबाई शत्राणी महावन में रहती ये तामस भक्त हैं लीला में इनका नाम भृंगिनी है और ये श्री ठाकुर जी के पीछे पीछे घूमती है और श्री ठाकुर जी इन पर सदा प्रसन्न रहते हैं तो वह गंगाबाई की माता दिखने में बहुत रूपवंती सुंदर थी उनके पास तरह द्रव्य भी बहुत था। तो एक समय जब श्री गोसाई जी महावन में पधारे तब इनने श्री गोसाई जी को देखा तब ये श्री गोसाई जी में बहुत आसक्त हुई फिर इनने श्री गोसाई जी से नाम पाया फिर इनको श्री गोसाई जी को देखे बिना
चैन नहीं पड़ता, ये लीला में अंतर ग्रह गता है। तो वहां श्री ठाकुर जी में काम बुद्धि रखती है, तो यहाँ भी श्री गोसाई जी में काम बुद्धि करी। तो वह नित्य श्री गोसाई जी को देखती। फिर एक दिन इनने छिप के श्री गोसाई जी से कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण करो। तब श्री गोसाई जी ने ना ही कही। फिर ये श्री गोसाई जी के चरणों में गिरी और बहुत विनती करी कि मेरा मनोरथ आप पूर्ण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि अभी तो तू अपने घर जा, तेरा मनोरथ तेरे घर बैठे ही पूर्ण होगा। फिर वह अपने घर गई। फिर एक दिन वह सो रही थी, तब स्वप्न में उसने जाना कि श्री गोसाई जी से मेरा संग हुआ है। फिर उसी दिन के बाद से उसे गर्भ रहा। फिर उसको एक बेटी जन्मी जो बहुत ही सुंदर हुई, उसका नाम गंगाबाई रखा। फिर जब वह बड़ी हुई तब श्री गोसाई जी के पास नाम निवेदन कराया। फिर कुछ दिन बाद वह गंगाबाई के माता पिता मरे, तब यह अकेली रही और नित्य सेवा से पहुँच के श्री गोसाई जी के पास श्री गोकुल जाती। और श्री गोसाई जी इनको नित्य श्री सुबोधनी जी, श्री भागवत जी कहते। फिर सुबह श्री यमुना जी में स्नान करके अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करती। फिर वैष्णवों को बुला के महाप्रसाद लिवाती, ऐसा नित्य करती। और जब किसी दिन कोई वैष्णव न आए तब ये उपवास करती। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।